Hi, today is 8th of January 2020. Let us have a quick brief of today's newspaper, The Hindu. Look at this headline. 4 Nirbhaya case convicts to be hanged on January 22nd. Ye Nirbhaya case kya hai? 2012 mein Delhi mein ek heinous crime hua tha, rape hua tha. Iske jo convicts the, wo unme se ek jo tha, wo less than 18 year ka tha. Hamare laws ke according, if a person is less than 18 year, तो उसको as a juvenile treat किया जाता है and laws उसके लिए lenient होते हैं. तो ये he got scot free. इसके बाद हम लेके आए juvenile justice care and protection amendment bill 2015. इसमें ये नया changes हुआ है कि अगर convict 16 to 18 years of age है और वो कोई heinous crime करता है जो adult कर सकता है, तो उस case में he would be treated as an adult. ये जो क्रिमिनल लॉज होते हैं ये रेट्रोस्पेक्शन में नहीं लगते हैं. दैट इज़ वाई ये जो 2015 के बाद से ये एक नया प्रोविज़न आ गया है, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2015. नाउ जो दूसरे कॉन्विक्ट्स थे उनको अभी दिल्ली की कोर्ट ने कैपिटल पनिशमेंट दिया है. कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है डेथ. नाउ कैपिटल पनिशमेंट बिकॉज इट्स अ बिग पनिशमेंट एंड इट्स अ फाइनल पनिशमेंट. सो कैपिटल पनिशमेंट के लिए कुछ सेफगार्ड्स हैं लॉज में. जैसे अगर कैपिटल पनिशमेंट मिलता है तो दे कैन फाइल अ रिव्यू पिटीशन. रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने इनका रिजेक्ट कर दिया है. देन आफ्टर रिव्यू पिटीशन दे कैन फाइल अ क्यूरेटिव पिटीशन. एट द सेम टाइम ये मर्सी पिटीशन भी फाइल कर सकते हैं इन फ्रंट ऑफ प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट को आर्टिकल 72 में मर्सी पिटीशन का पावर मिला है. मर्सी पेटिशन मींस अगर जुडिशरी ने एक जजमेंट दिया है, उस जजमेंट को प्रेसिडेंट एक फ्रेश और नए एंगल से देख सकता है ताकि फाइनल डिसीजन फिर डिलीवर वो प्रेसिडेंट कर सके. नाउ जो मर्सी पेटिशन होता है, मर्सी पेटिशन होते हैं 5 टाइप्स के. एक होता है पार्डन. पार्डन मींस कंप्लीटली स्कॉट फ्री, उसको नॉन गिल्टी डिक्लेयर कर दिया जाएगा. रिप्राइव मीन्स टेम्प्ररी सस्पेंशन, फॉर टाइम बींग उसका जो पनिशमेंट है वो सस्पेंड किया गया है. रिस्पाइट मीन्स होता है लेसर सेंटेंस अवॉर्ड करना ऑन स्पेशल ग्राउंड्स. रेमिजन मीन्स होता है रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ पनिशमेंट. एंड कॉम्यूटेशन का मीनिंग होता है चेंजिंग द फॉर्म ऑफ पनिशमेंट. तो दीज आर सम स्पेशल पावर विच आर गिवन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. नाउ इसमें एक बात लिखा है कि ऑब्वियसली यहाँ पे जस्टिस डिलेड है बट जस्टिस डिलीवर्ड है. बिकॉज हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ है एंड रूल ऑफ लॉ को हमेशा अपहेल्ड करने की ज़रूरत होती है. आर्टिकल 21 ये बोलता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ. और इस केस में ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के अकॉर्डिंग कैपिटल पनिशमेंट मिलेगा एंड डेथ पेनल्टी इन कॉन्विक्ट्स को दिया जाएगा. So this is about Nirbhaya case. Now look at here. Government projects slower GDP growth. What do you mean by GDP? ये जो GDP है ना, statistics ministries के data निकाले हैं और look at this graph. Nominal GDP, real GDP ये दोनों decline हो रही हैं. ये 7.5% से expected थी in financial year 20 and this is slowest since at least financial year 2005. Now what do you mean by GDP? GDP का मतलब होता है मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री बॉर्डर इन अ स्पेसिफिक टाइम. ये हमारा कंट्री है इंडिया, इसके बॉर्डर के अंदर जितने भी मॉनेटरी वैल्यू बनी है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की, वो सब काउंट होंगे इंडिया की जीडीपी में. बट सपोज अ पर्सन गोज टू यूएसए, वहाँ पे वो कुछ परचेज कर रहा है, सर्विस ले रहा है, तो वहाँ जो इंडियन सिटीजन ने काम किया है वो इसकी जीडीपी में, इंडियन जीडीपी में ऐड नहीं होगा. सिमिलरली इफ अ यूएसए का पर्सन और सम फॉरेनर कम टू इंडिया और वो यहाँ पे सेल्स या परचेजेस करता है तो वो इंडियन जीडीपी में काउंट होगा. अब जीडीपी जो होती है ये बताती है इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ अ नेशन. एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन कैसा हो रहा है, इसका हमें एक इंडिकेटर मिल जाता है. नॉमिनल का मतलब होता है रॉ डेटा है, फैक्ट्स है, रॉ फैक्ट्स हैं ये. और जो रियल जीडीपी होती है, इन फैक्ट्स में अगर हम इन्फ्लेशन ऐड कर देते हैं तो वो रियल जीडीपी मिल जाती है.
ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड कंपैरिजन होता है. इन्फ्लेशन लाइक 1970 में 100 रुपीज सैलरी बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, 2020 में 10,000 सैलरी इज लेस. सो वी कैन नॉट कंपेयर रॉ फिगर्स, 100 को सीधा 10,000 से कंपेयर नहीं कर सकते हैं. फॉर दैट वी नीड टू क्लब इन इन्फ्लेशन. तो जब इन्फ्लेशन को हम नॉमिनल जीडीपी में ऐड करते हैं तो इससे कंपैरिजन पॉसिबल होता है, और इसको फिर हम बोलते हैं रियल जीडीपी. जो जीडीपी होती है इसकी ग्रोथ रेट होती है ईयर ऑन ईयर पर, ईयर स्पेसिफिक में. जैसे फाइनेंशियल ईयर 2005 में एक ग्रोथ रेट थी, 2020 में एक ग्रोथ रेट है, तो इसको हम बोलते हैं जीडीपी ग्रोथ रेट. और जीडीपी पर कैपिटा होती है कि जो टोटल जीडीपी है उसको डिवाइड कर दो पॉपुलेशन से. अब इंडिया की पॉपुलेशन 1.3 बिलियन है, इसलिए हमारी जीडीपी पर कैपिटा हमेशा बहुत कम आती है. सो दिस इज अबाउट जीडीपी, दिस इज पेज नंबर 1. नाउ दिस इज पेज नंबर 2. ये बहुत बड़ी बात लिखी है यहाँ पे, विद व्हाट कॉन्फिडेंस विल स्टूडेंट्स गो टू यूनिवर्सिटीज. यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, टीनेजर्स, पीपल इन देयर 20s, दीज आर फॉर्मेटिव ईयर्स. दिस इज इम्पॉर्टेंट टू प्रोवाइड अ हेल्दी एंड सिक्योर एटमोसफियर फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन. वॉयलेंस ऑफ एनी टाइप शुड नॉट बी एनकरेज्ड. नाउ देर इज अ न्यूज अबाउट मॉडल कोड इन प्लेस. दिल्ली की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, दिल्ली एक यूटी है बट दिल्ली की एक लेजिस्लेटिव असेंबली है, और वहाँ पर अभी स्टेट इलेक्शन होने वाले हैं. तो मॉडल कोड इन प्लेस. मॉडल कोड क्या होता है? इलेक्शन कमीशन एक नॉर्मल गाइडलाइंस इशू करता है फॉर पॉलिटिकल पार्टीज, कैंडिडेट्स की, रिलेटेड टू देयर स्पीच, पोलिंग डे बिहेवियर, बूथ्स, रैलीज, जिससे जो इलेक्शन है वो स्मूथली और ट्रांसपेरेंट और फेयर मैनर में कंडक्ट किया जा सके. उनका मैनिफेस्टो, जनरल कंडक्ट होगा, इसको हम बोलते हैं मॉडल, मतलब आदर्श कोड आपको जो फॉलो करना है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शन. ये कब इम्प्लीमेंट होता है? जैसे ही ईसी ने डेट्स अनाउंस किया इलेक्शन का, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तुरंत इम्प्लीमेंट हो जाता है, एक्टिव हो जाता है. इस टाइम पे गवर्नमेंट नए प्रोजेक्ट्स अनाउंस नहीं कर सकती, पॉलिसी नहीं कर सकती, लिकर मनी इनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती. अब जो दिल्ली का जो स्टेट असेंबली इलेक्शंस हो रहे हैं, इसमें एक नई मेथड इन्होंने अडॉप्ट की है. एक होते हैं पोस्टल बैलेट्स. पोस्टल बैलेट मतलब जो खुद जाके पोलिंग बूथ में वोट नहीं डाल सकते हैं, वो पोस्टल बैलेट के थ्रू अपने वोट डालते हैं. तो जो पीपल हैं, सीनियर सिटीजन अबव द एज ऑफ 80 ईयर्स और पर्सन्स फ्लैग विद डिसेबिलिटी इन द इलेक्टोरल रोल, तो इनके लिए एक ड्राइव है, उनको फॉर्म 12D फिल करना है, डोर टू डोर कैंपेन होगा एंड दे वुड बी इशूड पोस्टल बैलेट पेपर्स. एक और जो डिफरेंट चीज़ यहाँ हो रही है वो हो रही है डिजिटल वोटर स्लिप मिलेगी. जो भी वोटर आईडी में आपका नाम है, यू वुड बी गेटिंग अ डिजिटल वोटर स्लिप. आपको वो प्रिंटेड हार्ड कॉपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. नाउ अभी इलेक्शंस स्टार्ट हो गए हैं, तो एज इन व्हेन जो इलेक्शन की न्यूज़ होती है, वी वुड बी कवरिंग रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, बिकॉज ये हमारा हार्ट ऑफ डेमोक्रेसी है. और इससे रिलेटेड जो टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज एंड कॉन्सेप्ट्स हैं, वी वुड बी कवरिंग ऑल दोज थिंग्स, लाइक रिफॉर्म्स कितने आए हैं, चैलेंजेस क्या हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट क्या है, विल कवर ऑल दीज थिंग्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. नाउ दिस इज पेज नंबर 3. This is page number 3. This is page number 4. Now, this is page number 5. Look at this picture. A train runs on its track amid dense fog on a cold winter morning in Patna on Tuesday. ये fog है ना, fog के कारण visibility poor हो जाती है, और ये पूरा northern railways को winter season में handicap कर देता है. Train बहुत late हो जाती है, hours late, 6 hours, 10 hours ऐसे late चलती है. इसके लिए एक त्रिनेत्रा डिवाइस पे वर्क कर रहा था रेलवे हमारा. ये एक इंफ्राड लेज़र टेक्नोलॉजी बेस्ड होगी. इससे आपको 2 किलोमीटर तक के ऑब्जेक्ट को जो रेलवे ट्रैक में है वो डिटेक्ट कर सकता है. तो विजिबिलिटी पुअर होने के बाद भी फॉग टाइम पे ट्रेन्स अपने शेड्यूल पे रन कर पाएंगी. इसके अलावा रेलवे सिग्नल अपग्रेडेशन पे भी अभी वर्क कर रहा है. तो ये रडार बेस्ड सिस्टम होते हैं. अभी रेलवेज़ में, इंडियन रेलवेज़ की 3 बड़ी प्रॉब्लम है. एक है ट्रेन कोलिजन, दूसरा है डीरेलमेंट, ट्रैक का मेंटेनेंस डिफिकल्ट है और डीरेलमेंट हो जाता है, एंड थर्ड इज अनमैंड क्रॉसिंग. तो दिस त्रिनेत्रा डिवाइसेस एंड द न्यू गैजेट्स एंड टेक्नोलॉजी कुड सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स. सी, वी आर इन द वर्ल्ड ऑफ ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी. 5G इज ऑन द वर्ज. सो वी नीड टू ब्रिंग दीज न्यू टेक्नोलॉजीज टू मेक अवर ट्रैवल स्मूदर एंड सेफ. नाउ जीनोम ऑफ इंडियन कोबरा सीक्वेंस्ड.
जीनोम क्या होता है, डीएनए जितने सीक्वेंस होते हैं, तो अगर हमने पूरा डिटरमाइन कर लिया है कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस एक सिंगल टाइम पे, तो उसको हम बोलते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग। ये है इंडियन कोबरा, ये बहुत पॉइजनस स्नेक होता है। सो अभी हमने क्या किया, द जीनोम ऑफ इंडियन कोबरा अमंग द मोस्ट पॉइजनस स्नेक्स इन द कंट्री, इसको हमने डिटरमाइन कर लिया है। बट वाई, द रीज़न इज अगर इसका जीनोम हम डिटरमाइन कर लेंगे तो हमें एंटीडोट बनाने में हेल्प मिलेगा। एवरी ईयर अप्रॉक्सीमेटली 5 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड आर बिटन बाई वेनमस स्नेक्स, रिजल्टिंग इन अबाउट 400,000 एम्प्यूटेशंस एंड मोर देन 100,000 डेथ। इंडिया में इंडियन कोबरा पॉइजनस है, कॉमन क्रेट है, रसेल्स वाइपर है और सॉ स्केल्ड वाइपर, ये काफ़ी पॉइजनस स्नेक है। सो इंडिया को कई बार स्नेक बाइट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है। सो दैट इज़ वाई दिस जीनोम सीक्वेंसिंग वुड हेल्प टू फाइंड द एंटीडोट, एंड दैट इज़ वाई टू लिमिट द डेथ्स बाय दिस स्नेक बाइट्स। सो दिस इज़ पेज नंबर 5। नाउ दिस इज़ पेज नंबर 6, पेज नंबर 7, दिस इज़ पेज नंबर 8। यहाँ सबरीमला बार बार न्यूज़ में आता है। सबरीमला में लॉर्ड अयप्पा का टेम्पल है। लॉर्ड अयप्पा सबरीमला केरला में है, पेरियार टाइगर रिजर्व में है। ये सबरीमला टेम्पल अभी 3 चीज़ों के लिए न्यूज़ में काफ़ी आता है। एक है यहाँ पे विमेन एंट्री, दूसरा है अभी रिसेंटली समटाइम्स बैक यहाँ पे स्टैम्पेड हो गया था, और थर्ड है वो है एनवायरमेंटल डैमेज, बिकॉज ये डिवोटी जाते हैं फॉरेस्ट लैंड में ऊपर, और बिकॉज ऑफ देयर मूवमेंट यहाँ पे एनवायरमेंट डैमेज के काफ़ी केसेस आ रहे हैं। सो दिस इज़ पेज नंबर 8। ये अकबर पद्मसी थे, ये सेलिब्रेटेड पेंटर एंड आर्टिस्ट थे, ही इज़ नो मो। देन दिस इज़ अ न्यूज़, आर्मी गेट्स वर्किंग ऑन गोको मॉडल टू इम्प्रूव एफिशिएंसी। गोको का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट ओन्ड कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेटेड। जो आर्मी की बेस वर्कशॉप्स हैं और जो फैक्ट्रीज हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, ये ओन तो गवर्नमेंट करेगी, बट इसका जो ऑपरेशन है वो हम दे देंगे प्राइवेट को, इससे एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, मैनेजमेंट बेटर होगा। सो दिस इज व्हाट दे हैव टॉक्ड आउट हियर, वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, गोको मॉडल फॉर आर्मी बेस्ड वर्कशॉप टू ड्राइव हायर ऑपरेशनल एफिशिएंसीज। सो ये एक लेफ्टिनेंट जनरल डीबी शेकटकर कमेटी आई थी फॉर रिफॉर्म्स इन आर्मी, इसने बोला था एनहेंस कॉम्बैट कैपेबिलिटी एंड रीबैलेंस डिफेंस एक्सपेंडिचर। सो दिस इज़ वन ऑफ द सजेशन ऑफ शेकटकर कमिटी, गोको मॉडल। नो दिस थिंग, गोको मीन्स गवर्नमेंट ओन एंड कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेटेड। सो दिस इज गोको मॉडल। नाउ दिस इज द एडिटोरियल, दिस इज अ बैटल ओवर वेलफेयर। दिल्ली यूनियन टेरिटोरी में अभी इलेक्शंस हो रहे हैं। दे हैव टॉक्ड अबाउट कि जो लोकल इश्यूज होते हैं वो नेशनल इश्यूज से डिफरेंट होते हैं। लोकल इश्यूज में एरिया स्पेसिफिक होते हैं। तो एक PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च ने एक रिपोर्ट दिया है कि दिल्ली ने नियरली 40%, दिल्ली गवर्नमेंट ने 40% ऑफ ओवरऑल बजट एलोकेशन स्पेंड किया है एजुकेशन, हेल्थ, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन में। दीज आर प्राइमरी बेसिक नीड्स ऑफ एन एरिया। तो दिस इज़ अ वेरी गुड साइन, जबकि यूजुअली जो एवरेज है वो केवल 23% है। इसके अलावा प्राइमरी एजुकेशन, हेल्थ केयर, लोवरिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, फ्री राइडरशिप, दीज आर सम मेजर्स जो एक एरिया स्पेसिफिक होते हैं। देन अनऑर्गेनाइज्ड कॉलोनीज की बात किया है। सो दिस इज़ अ कमेंट्री ऑन पॉलिटिक्स इन दिल्ली एंड इलेक्शंस इन दिल्ली। नाउ दिस इज़ अबाउट टेस्ट मैचेस। टेस्ट मैच यूजुअली 5 डेज के होते थे, इसको बात चल रही है 4 डेज को करो। क्यों? बिकॉज वी आर लिविंग इन द यूनिवर्स ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, हमें हर चीज़ तुरंत चाहिए। ब्रेविटी एंड क्विक सिल्वर प्रोसेसेस कॉन्स्टिट्यूट अ रेंजिंग ट्रेंड, बी इट ट्विटर और 2 मिनट नूडल। इट इज़ इन सिंक विद द करंट इरा, नोटोरियस फॉर इट्स श्रिंकिंग अटेंशन स्पैन एंड पॉसिटी ऑफ टाइम। अब इसका इन्होंने क्रिटिसाइज भी किया है कि ऑल दो हम ODI एंड T20 ले आए हैं, ICC 2023 से 4 डे का टेस्ट मैच लाने का प्लान कर रही है, बट इससे जो सोल ऑफ क्रिकेट है उसको वो डिफीट हो गई यहाँ पे। और हमें इसके बजाय एक हेल्दी कॉम्पिटिशन लाना चाहिए बिटवीन बैट एंड बॉल पे, जिससे ये स्पोर्ट ज़्यादा एंटरटेनिंग हो। ये आर्टिकल लिखा है वेलेरियन रॉड्रिग्स ने। ये आर्टिकल, ही इज़ अ प्रोफेसर एट मैंगलोर यूनिवर्सिटी एंड जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। ये आर्टिकल का लैंग्वेज बहुत रिफाइन है एंड आइडियाज़ आर ग्रेट, दिस इज़ अ वेरी इंसाइटफुल आर्टिकल। इन्होंने बात किया है जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी इट्सेल्फ इज़ अ वाइडर टर्म। डेमोक्रेसी में इंडिया में सब अग्री कर लिए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कि इंडिया वुड बी अ डेमोक्रेसी, बट जो डेमोक्रेसी का
थॉट था वो हर एक का इंसाइट्स डिफरेंट थे। गांधी जी बोलते थे स्वराज होना चाहिए डेमोक्रेसी में, ग्रास रूट डेमोक्रेसी होनी चाहिए, पीपल को सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, सिटीजन कम्युनिटी होनी चाहिए। जो सोशलिस्ट कम्युनिस्ट थे ये नेशन के कॉन्सेप्ट पे इतना बिलीव नहीं करते थे, दे वॉन्टेड डेमोक्रेसी बट विदाउट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन। फिर देन सावरकर थे, ही वॉज मोर बेंट टूवर्ड्स नेशन। देन जो इस्लामिक स्कॉलर्स थे मौलाना, ये बात करते थे थियो डेमोक्रेसी के। सो दीज आर डिफरेंट वेरियंट्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब यहाँ पे आज की डेट में हम देखें तो अ नोशन ऑफ द स्टेट इज इन क्वेश्चन। आर्टिकल 370, देन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, देन असम का NRC, देन नाउ स्टूडेंट प्रोटेस्ट। इससे ये आगे आ रहा है कि हमें आज हम क्रॉस रोड्स पे खड़े हैं, उस डेमोक्रेसी को हम किस डायरेक्शन में आगे मूव करना है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी इंक्लूसिव और लोगों को इसमें उनका ट्रस्ट एंड देयर पार्टिसिपेशन इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल फॉर द पीपल। नाउ There is a design flaw with this military post. अभी एक Ministry of Defence के अंदर Department of Military Affairs बना था, इसका हेड था Chief of Defence Staff, CDS एक नया पोस्ट बना। और ये जो DMA है ये Air Force, Navy और Army, ये तीनों इस DMA को रिपोर्ट करेंगे। यहाँ पे मनीष तिवारी, he is a spokesperson of Indian National Congress, ऑल्सो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड फॉर्मर इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, इन्होंने बोला है कि जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है इसमें अभी भी कुछ लकुना है, इसमें जो इनका स्ट्रक्चर है वो हायरार्की है, दैट कैन कॉज प्रॉब्लम बिकॉज दिस इज एन इरोजन ऑफ सिविल सुप्रीमेसी। इंडिया में सिविलियन गवर्नमेंट ऊपर होती है और फिर आर्मी वर्क करती है सिविलियन गवर्नमेंट के साथ, सो दिस वुड बी एन इरोजन ऑफ सिविलियन सुप्रीमेसी बिकॉज ट्राई सर्विस रिपोर्ट करेंगे CDS को तो CDS इन अ वे बन जाएगा उनका सुप्रीम कमांडर, जबकि सुप्रीम कमांडर आर्म्ड फोर्सेस का होता है हमारा प्रेसिडेंट। तो इस नई पोस्ट से काफ़ी सारी एम्बिग्यूटी आ गई है। दिस इज वॉट ही हैज टॉक्ड अबाउट हियर। सो दिस इज पेज नंबर 10 एडिटोरियल। नाउ दिस इज एन आर्टिकल ऑन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है और एक ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री भी है। ऑस्ट्रेलिया का जो ईस्टर्न पार्ट है इसकी सारी पॉपुलेशन ईस्टर्न पार्ट में रहती है और यहाँ पे बुश फायर्स हो रहे हैं, बुश फायर्स बिकॉज यहाँ पे अभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और पानी काफ़ी टाइम से नहीं गया है, ड्रॉट टाइप सिचुएशन है। अभी सदर्न हेमिस्फेयर में है तो यहाँ पे अभी समर सीजन चल रहा है, इंडिया में अभी विंटर सीजन चल रहा है। इन्होंने ये बताया है यहाँ पे अमिताभ बट्टू, इन्होंने ये लिखा है कि ऑस्ट्रेलिया जो एक लकी कंट्री माना जाता था, नेचुरल रिसोर्सेज, गुड वेदर, रिलेटिव ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, ये अब उसके अगेंस्ट जा रहा है और इस चेंजिंग टाइम पे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को एक साथ कन्वर्ज होना ज़रूरी है इन देयर इंटरेस्ट एंड देयर अप्रोच। एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, देन वी पार्टनर इन फॉसिल फ्यूल्स कोल इम्पोर्ट, देन क्लीन कोल टेक्नोलॉजी, पार्टनर इन इंटरनेशनल सोलर अलायंसेज। सो ऑस्ट्रेलिया इंडिया रिलेशनशिप इज एन आइडिया हुज टाइम हैज़ वेल एंड ट्रूली कम। अभी बहुत ज़रूरी है कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया अच्छे टर्म्स डेवलप करें, फ्रॉम वाटर मैनेजमेंट टू ट्रॉमा रिसर्च टू स्किल्स एंड हायर एजुकेशन, फ्रॉम मैरीटाइम एंड साइबर सिक्योरिटी टू काउंटर टेररिज्म। अ वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी अवेट्स द टू कंट्रीज इफ दे कैन वर्क इन कोऑर्डिनेशन। और इसमें यह भी बताया है कि इंडिया यूजुअली ऑस्ट्रेलिया को काफ़ी अच्छा जनरल हमारे यहाँ फीलिंग्स होता है। इंडियन ranked Australia in the top 4 nations towards which they feel most warmly. USA, Singapore and Japan. इसके साथ ऑस्ट्रेलिया भी टॉप 4 में आता है। सो वी नीड टू वर्क ऑन दिस। देन दिस इज अबाउट डोमेस्टिक पेरल्स ऑफ ट्रंप्स एडवेंचरिज्म अब्रॉड। इससे पूरा वर्ल्ड पीस खतरे में आ रहा है और डोमेस्टिक भी इशूज़ हैं। नाउ लुक एट दिस डेटा पॉइंट, रिकवरी ऑन द कार्ड। According to first advance estimates of real GDP जो रिलीज़ हुए हैं उनमें ये जो चार पैरामीटर्स हैं इनमें कुछ अच्छा अपस्केल ट्रेंड मिला है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक टर्म होता है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, जो मेजर करता है कॉम्बिनेशन ऑफ न्यू ऑर्डर, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट ऑफ 400 मैन्युफैक्चरर्स। तो ये जो इंडेक्स है इसमें अभी राइज मिला है, दैट इज़ अ गुड साइन। सर्विस सेक्टर, इंडिया सर्विस सेक्टर इकोनॉमी है तो बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स, इसने भी 400 सर्विस सेक्टर कंपनीज को देखा एंड सेकेंड हाईएस्ट रेट ऑफ इंक्रीज इन आउटपुट इन ओवर अ ईयर, सो दिस इज अगेन ऑन द राइज। देन जो थर्ड है इंडेक्स वो है स्टेडी टैक्स कलेक्शन, GST रिफॉर्म्स आने के बाद। लुक एट हियर,
सितंबर में बाद जीएसटी के जो कलेक्शन है वो इम्प्रूव हो रहे हैं, हम कंसिस्टेंटली 1 लाख करोड़ का मार्क हिट कर रहे हैं, सो दैट टेल्स जीएसटी इज ऑन द राइज और टैक्स कलेक्शन इम्प्रूव हो रहा है. देन दिस इज कोर सेक्टर. कोर सेक्टर में आता है इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल, कोल, सीमेंट, नेचुरल गैस एंड फर्टिलाइजर्स. तो ये कोर सेक्टर में भी जो ग्रोथ है वो अभी विटनेस किया है. दिस इज वॉट दिस डेटा इज टेलिंग. नाउ पेज नंबर 12, दिस इज पेज नंबर 13, दिस इज पेज नंबर 14. ये सांचेज हैं, इन्होंने पार्लियामेंट वोट टू रिमेन स्पेन के प्राइम मिनिस्टर, पेड्रो सांचेज, स्पेन्स प्राइम मिनिस्टर, और इनका नाम है सेबेस्टियन कुड्स. ये कंजर्वेटिव पार्टी के हैं, इन्होंने अभी कोलिशन किया है और ये यंगेस्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर हैं. इन्होंने ग्रीन्स पार्टी के साथ कोलिशन करके आपको ऑस्ट्रिया का नया हेड बने हैं ये. सो दिस इज पेज नंबर 14, दिस इज पेज नंबर 15. जनरेशन गैप को आयरन आउट करने की जरूरत है. नाउ दिस इज गवर्नमेंट में कट स्पेंडिंग टू कर्ब डेफिसिट. डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट मीन्स रेवेन्यू आपका कम आया और खर्चा ज्यादा हो गया, तो दोनों का जो डिफरेंस होता है वो फिस्कल डेफिसिट होता है एक साल भर में. इसको पूरा करने के लिए फिर सरकार को लोन लेना पड़ता है. नाउ फिस्कल डेफिसिट एज सच कोई बुरा चीज नहीं होता है, फिस्कल डेफिसिट होना चाहिए, ये बताता है कि आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है. अब ये जो लोन हम लेते हैं जो फिस्कल डेफिसिट की भरपाई के लिए आता है, ये लोन आप कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगा रहे हो देन इट इज़ अ वेरी गुड थिंग, बट अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में लगा रहे हो देन इट इज़ अ सिन. ये जो यूजुअली डेफिसिट का जो बजट हम हर साल पेश करते हैं ये ज़रूर बताता है कि आपकी ग्रोथ हो रही है कंट्री में. तो एक FRBM एक्ट आया था, फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट. ये 3% ऑफ GDP तक टारगेट करने का बोलता है कि जो आपका टोटल लोन उधार लिया है वो GDP के 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. अब अगर आज की डेट में जैसे इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है तो सरकार चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करें, अपन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करें, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो, और हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर का एक्सपेंडिचर भी नहीं हो रहा है, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है. अब जो हमारा एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करेंगे तो फिस्कल डेफिसिट हिट हो जाएगा, तो गवर्नमेंट इधर कैच 22 सिचुएशन में आ गई है. द गवर्नमेंट इज लाइकली टू कट स्पेंडिंग फॉर द करंट फिस्कल एज मच एज $2 trillion एज इट फेसेस वन ऑफ द बिगेस्ट टैक्स शॉर्टफॉल इन रिसेंट ईयर. एशियाज थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी विच इज ग्रोइंग एट इट्स स्लोवेस्ट पेस इन ओवर 6 years बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कुड बी हर्ट फर्दर इफ द गवर्नमेंट कट्स स्पेंडिंग. तो यहाँ पे गवर्नमेंट को स्पेंडिंग कम करनी पड़ रही है. क्यों? क्योंकि उसे फिस्कल डेफिसिट को भी टारगेट में करना है. फिस्कल डेफिसिट हमारा 3.8% टच कर गया है. अर्लियर सेट टारगेट 3.3% का था और FRBM एक्ट बोलता है अराउंड 3% होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. नाउ दिस इज रिएक्शन टू ऑपरेशन ट्विस्ट. ऑपरेशन ट्विस्ट क्या है? RBI ओपन मार्केट ऑपरेशंस करती है, इसमें वो सेल और परचेज करती है बॉन्ड्स की. इस ऑपरेशन ट्विस्ट में अच्छा, ये जो यील्ड कर्व होता है, रेट्स होती हैं, ये रेट्स होती हैं शॉर्ट टर्म रेट्स और लॉन्ग टर्म रेट्स. इन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म रेट्स में एक डिसबैलेंस हो गया था ये, तो इसको करेक्ट करने के लिए RBI ने साइमल्टेनियसली बॉन्ड्स सेल भी किए और परचेज भी किए. तो जो सेल किए वो शॉर्ट टर्म वाले थे और जो परचेज किए वो लॉन्ग टर्म वाले थे. तो इससे जो दोनों रेट है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म रेट, वो दोनों अभी बैलेंस आउट हो गई हैं. सो दिस वॉज ऑपरेशन ट्विस्ट. ओपन मार्केट ऑपरेशंस यूजुअली मार्केट में लिक्विडिटी को बैलेंस आउट करने के लिए RBI करती है. देन दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट. एयर एशिया गेट्स दिस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की से परमिशन मिल गई है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर द परचेज अग्रीमेंट ऑफ एयर एशियाज प्राइवेटाइजेशन. नाउ दिस इज इंडिया मस्ट क्रिएट 70 million जॉब्स टू अचीव 5 trillion इकोनॉमी का हमारा टारगेट है और इसके लिए हमें इतने जॉब्स की रिक्वायरमेंट है. नाउ 33% प्रीमियम. दिस इज अबाउट NPS, नेशनल पेंशन सिस्टम. ये एक वॉलेंटरी कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम है, 1 January 2004 में आया था. ये PPP EPF की तरह होती है, पब्लिक प्राइवेट प्रोविडेंट फंड और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड. ये एग्जेम्प्ट होती है, मींस आप जब इसमें पैसे डाल रहे हो तो आपको ATC इसके थ्रू छूट मिलेगी, जब पैसा ग्रो हो रहा है तो उसमें छूट मिलेगी, और जब आप इस पैसे को विड्रॉ करोगे तब भी आपको एग्जेम्प्ट रहेगा, टैक्स नहीं लगेगा. नाउ इसमें ATC की छूट तो मिलती है, 2016 से एक एडिशनल टैक्स बेनिफिट मिल रहा है 50,000 का ATCCD में अगर आप NPS में मनी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो. बट ये आर्टिकल बताता है स्टिल इंडिया में ये कल्चर नहीं है पेंशन सिस्टम का. पीपल डू नॉट लाइक टू कॉन्ट्रीब्यूट इन दिस NPS, सो वी नीड टू एनकरेज.
Most of us don't think of retirement and old age, but the reality is our income will stop one day. Then they've encouraged ki aap pensions and retirement plans ko karna zaruri hai. Then this is page number 17, this is page number 18, and this is page number 19 sports, and this is page number 20 sports. So thank you so much for watching today's video. Take care.